हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अनबॉक्स यूनिक। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं एक गेमिंग ईयरबड की अनबॉक्सिंग करने वाला हूं, जो कि फ्लिपकार्ट पर मुझे कुछ इस नाम से दिखाई दी और मैं इसे 600 रुपीज़ में ख़रीदा हूं। और ये जो ईयरबड है काफ़ी तेज़ी से परचेस हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिव्यू मिल चुका है, मतलब 300 से प्लस इसकी रिव्यू है और 7 दिन के अंदर इसमें 500 ऑर्डर हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं क्या इस प्राइस में हमें ये गेमिंग ईयरबड परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से यहाँ पे बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो बॉक्स के अंदर आप लोग को सबसे पहले एक टाइप सी चार्जिंग केबल मिलेगा इसे चार्ज करने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग को एक फेक रिव्यू करने के कार्ड देखने को मिलेंगे, जो कि कोई काम के नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग को मेन प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, यह है हमारा गेमिंग ईयरबड। गाइस, केस की डिज़ाइन की बात करें तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के डिज़ाइन में आप लोग को ये देखने को मिलेगा। ऊपर में आप लोग को यहाँ पे ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन में ये देखने को मिलेगा और इस साइड में आप लोग को यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलेगा इसे चार्ज करने के लिए। और यहाँ पर जैसे ही आप लीड को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप लोग को RGB लाइट देखने को मिलेगा, जो कि ग्लोइंग के टाइम काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। इसको क्लोज करने पर भी यहाँ पे आप लोग को लाइट देखने को मिलेगी और ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक एंड अट्रैक्टिव लग रही है। और यहाँ पे मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो वो काफ़ी अच्छी लग रही है। और यहाँ पे जो इसकी हिंज की क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे जल्दी से ईयरबड को निकाल लेते हैं। तो अगर आप ईयरबड को देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग को RGB लाइट देखने को मिलेगा और ये ईयरबड आप लोग यहाँ पे ईयर टिप डिज़ाइन के साथ देखने को मिलेगा। और मैं इसे अपने कानों में लगा के देखा, मतलब इसकी जो फिटिंग है वो काफ़ी अच्छी तरीके से हो जा रही थी। और ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट ईयरबड है, तो आप इसे काफ़ी देर तक यूज़ कर पाएंगे और आप लोगों को कोई भी पेन वगैरह फील नहीं होगा। LED लाइट के पास ही यहाँ पे आप लोगों को टच कंट्रोल मिल जाएगा और इसकी जो टच रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सही से वर्क करती है और काफ़ी जल्दी जल्दी भी वर्क करती है। इस ईयरबड में कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ वर्जन 5.3 का सपोर्ट दिया गया है। और यहाँ पे मैं इसकी साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पे इसकी जो बेस की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है और ट्रेबल भी काफ़ी क्लियर सुनाई देते हैं। तो कुल मिलाकर बोलूँ तो इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इस प्राइस के हिसाब से इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो एकदम अमेजिंग है। गाइस, जब मैं इस ईयरबड को परचेस कर रहा था तो मुझे दिखा कि इसमें 80 ms की लो लेटेंसी मिलती है, बट यहाँ पर इसमें आप लोग को कोई भी लो लेटेंसी देखने को नहीं मिलेगा। इसमें आप लोगों को कोई भी गेमिंग मोड देखने को नहीं मिलेगा। मैं इसके टच सेंसर पर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार तक टैप किया, इसमें कोई भी गेमिंग मोड ऑन नहीं होता है। मैं इसे गेम खेल के देखा, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लो लेटेंसी सुनने को मिल रही थी। जैसे ही मैं यहाँ पे फायर कर रहा था तो जो साउंड है फायर की वो काफ़ी लेट से आ रही थी। तो ये जो ईयरबड है ये गेमिंग के लिए नहीं है। अगर आप इसे गेमिंग पर्पज़ के लिए परचेस करना चाहते हैं तो मैं बोलूँगा कि आप इस ईयरबड को बिल्कुल भी परचेस मत करें। और अगर आप म्यूज़िक के लिए इसे परचेस करना चाहते हैं तो ये म्यूज़िक के लिए काफ़ी अच्छी ईयरबड है, आप इसे बिल्कुल भी परचेस कर सकते हैं म्यूज़िक के लिए। बट यहाँ पे आप इसे गेमिंग के लिए बिल्कुल भी मत परचेस करें। काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को साउंड लेटेंसी देखने को मिलेगी, मतलब साउंड में लैग देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे इसकी बैटरी बैकअप की बात करें तो मुझे इसकी बैटरी बैकअप इस प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छी लगी। अगर आप ईयरबड को फुल चार्ज करते हैं तो आप लोग को इसमें 8 आवर्स का बैकअप मिलेगा और केस के साथ आप लोग को 40 आवर्स की बैकअप देखने को मिलेगी, जो कि इस प्राइस के हिसाब से मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इसमें आप लोगों को माइक का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा और इसकी माइक की क्वालिटी भी काफी अच्छी है। मैं इसे कॉलिंग करके देखा, कॉलिंग काफी बढ़िया तरीके से हो रही थी। अब यहाँ पे इसकी फाइनल रिव्यू की फिर से बात करें तो आप इस ईयरबड को गेमिंग के लिए बिल्कुल भी परचेस मत कीजिएगा, यह गेमिंग के लिए काफी बेकार सा ईयरबड है। आप इसे म्यूजिक के लिए परचेस कर सकते हैं। तो अगर आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।